मेरा गोपू बेचारा यही सपना देख देख कर चला गया कि वो मुझे बड़ी गाड़ी में बिठाएगा, घुमाएगा। माँ, इतनी बड़ी होकर आप झूठ बोल रही है? मैंने तो आज तक न कभी ऐसा सोचा है न कहा है। और अब जब उसी के पैसे से उसका सपना पूरा करने का मौका आया तो इसमें हर्ष क्या है? मुझे नहीं पता था कि बिंदिया का बनाया खिचू इतना जल्दी असर दिखलाएगा। यकीन नहीं आता बा कि आप बिंदिया की बातों में आ गई। यहाँ के सब लोग उस पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये मेरी बहुरानियाँ, इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, परिवार के बारे में सोचती है। इसलिए सुनंदा, मैंने फैसला किया है कि वो सारे पैसे बिंदिया को कार खरीदने के लिए दिए जाए। जैसी आपकी इच्छा मिट्टी। ये लो बिंदिया बेटा। थैंक यू मिठी माँ, थैंक यू दादी माँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं बस उड़ कर जाऊं और जाकर उस कार को लेकर आ जाऊं। मैं सोच रही हूँ कि कार को यूज करने के लिए सब लोग अपना अपना टाइम डिसाइड कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, अगर टाइम डिसाइड करेंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ऐसा करेंगे रोहित कि कार को यूज करने के लिए सब लोग अपने अपने दिन डिसाइड कर लेंगे। लेकिन बिंदिया घी वाला कार पूरे 7 days। और जरा सोचो रोहित, जब पापा जी अपने जजमान के घर पूजा कराने इतनी बड़ी गाड़ी में जाएंगे तो उनका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, है ना? सोच रहे हो, जाओ जाकर तैयार हो। जा रहा हूँ। रोहित जल्दी जाओ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तब तक मैं पैसे निकालती हूँ। जाओ जाओ जाओ। छोड़ोगी तब तो? सॉरी, जाओ। चलेगा आगे।